वेलकम हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी लास्ट व्लॉग में बच्चे बीमार थे तो आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड की तो थैंक यू सो मच और आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ यूजफुल कुकिंग टिप्स जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपना लाइफ ईजी बना सकते हो और बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो किचन में तो मेरा सबसे पहला टिप है वो है मील प्लानिंग ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे यहाँ पर कि हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं ये सोचने में कि लंच में क्या बनाए डिनर में क्या अपना रोज़ उठते हैं हम यही सोचते हैं तो उससे अच्छा है कि आप एक घंटा अपना निकालो और बैठ के एक मील प्लान कर लो कि मंडे टू संडे आपको क्या बनाना है तो इससे आपको पता रहेगा कि आप कब कब क्या बनना है आपके घर में तो देखिए मैंने पूरा यहाँ पे मिल प्लान कर लिया है मंडे टू संडे ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बनेगा अभी मुझे पता है तो रोज़ का टेंशन नहीं है उठ के सोचना नहीं पड़ेगा मुझे क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ और मैं क्या करती हूँ एक पिक्चर ले लेती हूँ जो भी मैंने मिल प्लान किया है और उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ तो इससे क्या होता है एक तो आपको पता होता है एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके मिल प्लान में है आप वही चीज़ें घर में बनाओगे तो वही सारे इन्ग्रीडियंट्स आप लेकर आओगे तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होते रैंडमली स्टफ़ नहीं उठाते हो आप नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है बिना प्लान के आते हो ना कुछ भी उठाकर आप ले जाते हो फिर फ्रिज में रखा रखा बहुत बार ऐसा होता है एक्सपायर हो जाता है फेंकना पड़ता है तो पैसे भी वेस्ट होते हैं और शॉपिंग करते वक्त भी आपको ईजी हो जाता है आपको एग्जैक्ट पता होता है क्या चीज़ कहाँ मिलता है आप वहाँ से जा उठा लेते हो यहाँ हुआ ना चलना फिरना नहीं पड़ता है नहीं तो नॉर्मली हम बहुत चलते हैं और घूमते रहते हैं शॉपिंग में शॉपिंग करते वक्त तो टाइम भी हमारा बहुत वेस्ट होता है तो मैंने यहाँ पे सारा शॉपिंग कर लिया है धनिया पुदीना ले लिया है इसके बिना इंडियन कुकिंग अधूरा है और करी लीव्स भी ले लिया है इसके बिना साउथ इंडियन कुकिंग तो हो ही नहीं सकता और टमाटर के साथ हमारा यहाँ पे शॉपिंग कंप्लीट होता है और मेरा तीसरा टिप है सॉर्ट द ग्रोसरीज तो मैं जैसे ही ग्रोसरी शॉपिंग करके घर आती हूँ मुझे जो चीज़ अभी तुरंत जहाँ पे जो चीज़ रखना है मैं रख देती हूँ एक ही बार काम ख़त्म हो जाता है क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स अगर आप बाहर रख दिए तो तुरंत ख़राब भी हो जाता है तो इस चीज़ में मैं देरी नहीं करती हूँ और जो वेजिटेबल्स मुझे चॉप करने होते हैं मैं उसे साइड में रख देती हूँ उसी मैं फ़्रिज में नहीं रखती हूँ उसके बाद सारा सामान को जमाने के बाद मैं कटिंग चॉपिंग वाला काम भी ख़त्म कर देती हूँ और मेरा चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप है ये चॉप द वेजिटेबल्स इन एडवांस ये अगर आप कर लोगे ना तो आपका लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी तो मैं क्या करती हूँ जो वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब नहीं होते लाइक कैरेट बीन्स मटर ये सब मैं करके रख देती हूँ चॉपिंग तो इससे ना क्या होता है जब आपको कुकिंग करना होता है तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है चॉपिंग वगैरह में क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा चॉपिंग में ही चला जाता है कुकिंग टाइम बहुत कम लगता है प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा लग जाता है इंडियन कुकिंग में आप सब मुझसे ये अग्री करोगे तो यहाँ पर मैंने बीन्स कैरेट ये सब मैंने काट दिया है क्योंकि ये सब मेरे घर में ज़्यादा यूज़ होता है वेजिटेबल्स तो आप अपने घर घर के हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से वेजिटेबल्स ला के उसे चॉप करके इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में अगर रख दोगे ना तो वन वीक कुछ नहीं होता है मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बट कुछ चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं एडवांस में काट सकते हैं लाइक अनियन टमेटो अवाकाडो सैलेड ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ये सब आपको इंस्टेंट कट करके खाना है नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो ये माइंड में रखना है कि कौन सब्ज़ी लंबे टाइम तक कटने के बाद भी सही रहता है उसके हिसाब से आप शॉप कर लेना तो मैं पनीर वगैरह मुझे मटर पनीर पुलाव बनाना है तो मैंने पनीर वगैरह पहले से ही क्यूब्स बनाकर रख दिए हैं तो इस तरह से मैं जब बनाऊंगी ना तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा मुझे बहुत देर तक किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेक श्योर sure करें कि आपका जो एयर जिस चीज़ में आप रख रहे हो वो एयर टाइट हो ग्लास कंटेनर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है और यहाँ पे देखिए अभी सीजनल मटर मुझे मिल गया तो मैं लेकर आई हूँ और मुझे मटर पनीर वैसे ही बनाना था तो मुझे लेकर आना ही था ये बट मुझे फ़्रेश मिल गया तो मैं इसे निकाल कर ना रख दूंगी और ये मटर ना अगर आप जिप लॉग बैग में डालकर रख दोगे ना तो एक साल तक भी ख़राब नहीं होता डीप फ्रिज में अगर आप रख दोगे फ्रीज़र में तो बट मेरा वन वीक में ही ख़त्म हो जाएगा मैं थोड़ा सा ही लेकर आई हूँ एक हफ्ते के हिसाब से तो मैं ये ग्लास कंटेनर में डाल डालकर फ्रिज में रख दूंगी उसी तरह से मैं कड़ी पत्ता वगैरह भी पहले से धोकर रख देती हूँ क्योंकि कड़ी पत्ता ज़्यादातर हम टेम्परिंग में तड़का लगाने में यूज़ करते हैं तो साथ साथ धोकर अगर आप डालते हो ना तो पानी बहुत छिटकता है गर्म तेल से पानी उड़ता है इसलिए मैं इस तरह से धोकर टिश्यू पेपर में रखकर थोड़ा ड्राई होने देती हूँ तो ड्राई होने से क्या होता है एक तो बदन पर छिटकता नहीं है आपका नहीं तो हाथ पास जल जाता है और उसके बाद इस तरह से टिश्यू लगा कर डब्बे में मैं फिर इसे स्टोर कर देती हूँ बट मैं कोरिएंडर लीव्स बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ क्योंकि कोरिएंडर लीव्स में अगर मॉइस्चर रहा ना तो बहुत जल्दी सड़ जाता है बट कड़ी पत्ता इस तरह से आप धोकर

और इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट एक बार में तो नहीं पिसाएगा तो मैं इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा करके पीस लेती हूँ और पीसते वक्त मैं बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करती हूँ बिना पानी का पीसती हूँ और मैं कोई नमक वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ प्रिजर्व करने के लिए तो और मैं मेक श्योर करती हूँ कि जिस जार में मैं रख रही हूँ वो बिल्कुल ड्राई हो पानी ना हो उसमें तो मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट ना कुछ भी नहीं होता है मैं फ्रिज में रख देती हूँ ज़्यादा बन जाता है तो मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है एक बार में बल्क में बना लिया आराम से चलता रहेगा फिर टेंशन नहीं है बार बार बनाने का तो देखिए एक बड़ा जार और एक छोटा जार भर गया है तो मैं इसे अभी फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ और थोड़ा सा मैं क्यूब्स बनाकर रख दूंगी एक जार खाली कर दूंगी और जो कान नक निकलता है ना इस तरह से अदरक का मैं इसे छिलने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं इसका अदरक वाली चाय जब बनानी होती है ना तो मैं ये वाला अदरक यूज़ कर लेती हूँ तो ये यह यहाँ फ्रिज में रख देती हूँ ऊपर में मेरा फिफ्थ टिप है मेक ग्रेवी एंड फ्रीज फॉर बिजी डेज यकीन मानिए इससे लाइफ बहुत आसान हो जाता है मैं ये नहीं कहती कि आप रोज़ इस तरह से बनाकर खाओ क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेश बनाकर खाना ही बेस्ट होता है बट कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बिजी होते हैं या फिर बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा होता है आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हो बच्चों को या फिर आप वर्किंग मॉम हो तो बाहर का खाना खाने से यह मच बेटर है कि घर का फ्रोजन फूड आप खाओ और मैंने जस्ट तीन टमाटर लिया था सॉरी तीन प्याज लिया है उसे हल्का सा पका लिया उसके बाद मैंने तीन टमाटर ऐड कर दिया बड़े साइज़ का और नमक ऐड करके इस तरह से ब्लेंड कर लिया है इसी तरह से मैं कभी कभी ग्रीन मसाला बना लेती हूँ कभी मुझे बाहर जाना होता है और मुझे लगता है कि नहीं मैं आकर टाइम पर खाना नहीं बना पाऊँगी लेट हो जाएगा तब तो मैं ये सारी ट्रिक यूज़ करती हूँ तो आप भी कर, आप भी करोगे तो आपकी भी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी बट हाँ ये ज़्यादा हेल्दी नहीं है बट एक हफ्ता अगर आप रिजर्व करते हो तो कुछ नहीं होता है बट ज़्यादा दिन तक आपको स्टोर नहीं करना है ये सब और मैंने थोड़ा जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को मिक कर, मिक्स कर मिक्स करके उसका ये पेस्ट बना लिया था और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा सा ना ये क्यूब्स बना कर रख दूँगी फ्रीज़र में तो लंबे टाइम तक चलेगा तो यहाँ पे सारा चीज़ मैंने आइस ट्रे में अच्छे से सेट से कर दिया है रैप कर दिया है अब इसे मैं फ़्रीज़ कर दूँगी और एक बार जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाता है उसके बाद मैं इसे निकाल कर जिप लॉक बैग में डालकर अच्छे से रख देती हूँ और स्पेशली ना मैं जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाकर रख देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत आसान हो जाता है इस तरह से कभी पुलाव वगैरह बनाना होता है तो थोड़ा थोड़ा पीसने में बहुत प्रॉब्लम होती है पिसाता भी नहीं है कम अमाउंट में चीज़ें तो इस तरह से कीूब्स बनाकर रख देती हूँ ना तो अपने कुकिंग के हिसाब से कितना मैं कुक कर रही हूँ बड़ा छोटा मैंने दोनों बनाया है देखिए थोड़े बड़े साइज़ के क्यूब्स हैं और छोटे छोटे मैंने अभी बनाए तो उस हिसाब से मैं डाल देती हूँ तो इससे लाइफ बहुत ईजी हो गई है मेरी बहुत आसान हो जाता है और टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मैं काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है जिजर गाली पेस्ट या फिर जिंजर गाली और ग्रीन चिलीज़ के पेस्ट क्यूब्स में तो इस तरह से मैंने बनाकर कर यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर हमारा ये प्याज़ टमाटर का ग्रेवी भी फ्रीज़ हो गया है और इंडियन कुकिंग तो बिना प्याज और टमाटर का हो ही नहीं सकता और मैं चिकन ग्रीन करी बनाती हूँ तो उसका मसाला भी मैंने रेडी करके रख दिया है और ज़्यादातर ना हमें इन, इंडियन कुकिंग में प्याज टमाटर चॉप करने में टाइम बहुत लग जाता है तो इस तरह से आप इसका ग्रेवी बनाकर रख दोगे तो बहुत कम टाइम में आपका कुकिंग कंप्लीट हो जाएगा आप यकीन नहीं कर पाओगे इतना जल्दी आप कुक कर सकते हो खाना ये सब तैयारियों के साथ और आप मेक श्योर sure करें कि ये सारे जो फ्रोजन आइटम्स हैं ना आप उसको जिप लॉक बैग में ही डालकर रखें या फिर एयर टाइट कंटेनर में और कोशिश ये भी करें कि विद इन वन वीक आप कंज्यूम कर लो बहुत दिनों तक रख कर खाना भी अच्छा नहीं लगता फिर टेस्ट भी शायद थोड़ा सा फ़र्क आ जाए टेस्ट में तो इसलिए विद इन वन वीक कंज्यूम करना ही बेस्ट है इसे और टिप नंबर सिक्स है प्रीमिक्स ऑल द बेसिक मसाला ज़्यादातर इंडियन घरों में आपको इस तरह का डब्बा दिखेगा जिसमें हम अपना इंडियन मसाला रखते हैं बट मैं इसे अब यूज़ नहीं करती हूँ अब उसकी बजाय मैं यूज़ करती हूँ ये वाला एयर टाइट कंटेनर इसमें सारे मसालों को मिक्स कर देती हूँ और लास्ट टाइम आप लोग पूछ रहे थे प्रोपोशन मसाले का तो मैं एक कप धनिया डालती हूँ आधा कप ज़ीरा डालती हूँ वन फोर्थ कप टर्मरिक पाउडर हल्दी और मिर्ची पाउडर में मैं हाफ़ कप डालती हूँ आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो क्योंकि मैं ग्रीन चिलीज़ वगैरह ऊपर से यूज़ करती हूँ तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा इसलिए मैं हाफ़ कप ही चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे वन फोर्थ कप गरम मसाला गरम मसाला भी मैं कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर से होल गर्म मसाला यूज़ करती हूँ पुलाव वग़ैरह बनाते वक्त इसलिए उसके बाद मैं सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये हमारा प्री मिक्स मसाला बनकर रेडी हो गया है तो इस तरह से मसाला बना कर रख दोगे तो आपको अलग अलग मसाला निकालने की ज़रूरत नहीं है एक चम्मच निकाला और खाने में डाल दिया और अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से बहुत सारी की हुई है ना तो खाना बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता जैसे मैंने यहाँ पे आ, मैं ग्रीन करी बना रही हूँ चिकन ग्रीन करी तो मैंने दो क्यूब डाल दिया जिंजर गार्लिक का और उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज टमाटर का एक क्यूब डाल दूँगी जो हमने बना कर रखा था और इसे थोड़ा पका लेंगे जब तक इसमें से ऑयल रिलीज़ ना होने लगे तो देखिए ऑयल उज आउट होने लगा है हमारा ग्रेवी अच्छे से पक गया है इसमें ऐड कर देंगे प्रीमिक्स मसाला जो हमने बना कर रखा है तो एक शॉट में काम ख़त्म हो गया नहीं तो अलग अलग धनिया जीरा हल्दी मिर्च सब निकालना पड़ता है एक एक करके तो एक शॉट में हमने डाल दिया उसके बाद मसाला पकाने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया है चिकन को हाई फ्लेम में यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया है जब हमारा चिकन अच्छे से भुना जाएगा तो बस इसमें मैंने नमक और जो ग्रीन मसाला मैंने बना कर रखा था फ्रीज़ किया था वो ग्रीन मसाला भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसे पानी डाल के मैं इसे थोड़ा सा पका लूँगी तो यहाँ पे खाना कितना आसानी से बन रहा है आप देख रहे हो कुछ भी कटिंग चॉपिंग करना नहीं पड़ रहा है मुझे सब मसाला वगैरह रेडी है तो बहुत झटपट खाना बन जाता है और हमेशा कुकिंग करते वक्त हॉट वाटर यूज़ किया करना हॉट वाटर यूज़ करने से कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है और आपको वेट नहीं करना पड़ता है फिर से खाने में बॉयल आने का आप गर्म पानी डालोगे ना तो इस तरह से बॉयल होता रहेगा उसके बाद मैंने थोड़ा सा पका लिया था चिकन को और गर्मा गर्म खाना हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है बहुत झटपट बन गया ये लंच हमारा आज का और टिप नंबर एट है ट्राई टू कुक टू थिंग्स इन वन पॉट इफ़ पॉसिबल जैसे मैंने यहाँ राइस बना लिया और मुझे आलू का भरता बनाना है तो मैं आलू अलग से मैंने बॉईल नहीं किया मैंने राइस में ही डाल दिया राइस भी पक गया यहाँ आलू भी पक गया उसी तरह से मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ पास्ता में मुझे नाश्ते में पास्ता बनाना है तो मैंने टमाटर और पास्ता साथ में डाल दिया तो यहाँ पर हमारा टमाटर भी बॉयल हो जाएगा इस तरह से आपकी गैस भी सेव होती है आपका टाइम भी बचता है और खाना भी जल्दी बन जाता है तो देखिए यहाँ पे हमारा टमाटर भी रेडी हो गया पास्ता भी बॉईल हो गया है और अब मैं पास्ता बनाने के लिए टोमेटो सॉस रेडी कर रही हूँ मैंने डाला इसमें एक चम्मच नमक डेढ़ चम्मच शुगर एक चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक लहसन उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बॉयल टमेटोज़ और ये बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट जैसा होता है ना पास्ता सॉस का सेम टेस्ट आता है उसके बाद मैंने ब्लेंड कर लिया बहुत सारा गार्लिक ऐड किया चार पांच पाँच गार्लिक मैंने डाल दिया है मतलब पीसेस उसके बाद हल्का सा चला लिया गार्लिक को उसके बाद हमारा सॉस जो था वो ऐड कर दिया थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड कर दिया आप चाहो तो चिली फ्लेक्स ऐड कर दो मेरे पास जो चिली फ्लेक्स है बहुत तीखा है इसलिए मैंने नहीं ऐड किया और उसके बाद इसमें पास्ता डाल के बस मिक्स कर लेंगे टमाटर हमारा पका हुआ था तो बनने में टाइम नहीं लगा तो इस तरह से आप स्मार्टली कुकिंग करोगे ना तो बहुत जल्दी खाना बन जाता है तो इसी तरह से आप डबल बॉयलर यूज़ करके भी डबल कुकिंग कर सकते हो एक ही टाइम में इससे भी आपका बहुत टाइम बचेगा और इस तरह से स्मार्टली कुकिंग करके ना आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हो The white और टिप नंबर नाइन है फिल द सिंक विथ वाटर एंड सोप क्योंकि जब आप कुकिंग कर रहे होते हो ना तो बहुत बार ऐसा होता है कुकिंग करते वक्त बहुत सारा बर्तन गंदा होता है तो मैं इस तरह से गर्म पानी डाल के सोप डाल के इसे अच्छे से आ, सिंक रेडी रख देती हूँ कुकिंग करते वक्त जब भी बर्तन निकलता है मैं क्या करती हूँ सारे बर्तनों को उस सिंक में जाकर डाल देती हूँ तो इससे वो बर्तन सूखता नहीं है और हमारा बर्तन जल्दी क्लीन भी हो जाता है और जो स्टिकनेस होता है ना बर्तन में तेल हुई का वो भी बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है तो इस तरह से मैंने सारे बर्तनों को डाल के यहाँ पर धो लिया है और मैं एयर फ्राई करती हूँ चीज़ों को तो एयर फ्रायर का भी बहुत सारा मतलब ऑयल वग़ैरह का ये वायर बास्केट है देखिए इसमें इस तरह से डाल के हम पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये ऑयली हो जाता है तो पहले पूरा बर्तन निकाल देती हूँ धोकर उसके बाद इस वायर बास्केट को डाल के भिगो देती हूँ उसके बाद इसे थोड़ा हल्का हल्का घिसती हूँ साफ़ हो जाता है तो इस तरह से ना जल्दी जल्दी काम हो जाता है कुकिंग करते करते ही आप ये सारा काम साथ, साथ निपटा सकते हो और टिप नंबर टेन है ट्राई टू कुक वन पॉट मील इससे ना बहुत लाइफ इजी हो जाती है आपकी एक ही पॉट में खाना बनकर रेडी हो जाता है बहुत कम टाइम में बन जाता है और वेजिटेबल्स वगैरह पहले से ही चॉप किए हुए हैं तो और भी आसान हो जाती है तो आप कोशिश करें कि हफ़्ते में दो तीन आप पुलाव बना ले दो तीन बार तो मैं ऐसा ही करती हूँ कभी सोयाबीन पुलाव कभी पनीर पुलाव कभी वेज पुलाव इस तरह से मैं बना लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने पनीर को शैलो फ्राई कर लिया है और अब मैं यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले यूज़ कर रही हूँ लाइक तीन लॉन्ग तीन इलायची दालचीनी और एक बड़ी इलायची और एक तिजपत्ता और थोड़ा सा क्यूमिन सीड उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है छोटा साइज़ का एक अनियन हल्का सा सॉफ़्ट होने तक इसे पका लेंगे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना देखिए हल्का सा सॉफ़्ट हो गया है तो इसमें हम ऐड कर देंगे कैरेट और ग्रीन पीस तो सब्जियों को डाल के थोड़ा अच्छे से चला लेंगे हम थोड़ा सा फ़्राई कर लेंगे तेल में हल्का सा उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने और चार ग्रीन चिलीज़ को स्लिट करके डाल दिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बाद में ऐड किया क्योंकि पहले ऐड करती तो कुकर में चिपकने लगता फिर मैं सब्जियों को तेल में फ्राई नहीं कर पाती इसलिए तो बाद में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भून लिया और उसके बाद इसमें ऐड कर रहे चावल चावल को भी थोड़ा सा हम इसमें चला लेंगे ताकि घी का जो अरोमा है ना वो चावल में आ जाए टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है उससे तो मैंने एक कप चावल लिया था तो मैं इसमें डेढ़ कप पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर में बना रही हूँ और अगर आप कढ़ाई में या डिग्ची में बना रहे हो तो एक चाव एक कप चावल ले रहे हो तो दो कप पानी आपको यूज़ करना है उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट और इसे बस ढक्कन लगा के हम इसे पका लेंगे और टिप नंबर एलेवन है यूज़ प्रेशर कुकर हम सबको ही पता है प्रेशर कुकर में खाना कितना फास्ट बन जाता है यही सेम चीज़ अगर मैं कढ़ाई में या देखिए में बनाती तो मुझे आधे घंटे से ऊपर लग जाता बट दस मिनट में ये पनीर पुलाव बनकर हमारा रेडी हो गया है क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर में बनाया और सेम रेसिपी फॉलो करके आप वेज पुलाव सोयाबीन पुलाव भी बना सकते हो और टिप नंबर ट्वेल्व है यूज़ गार्बेज बिन वाइल पीलिंग वेजिटेबल्स ज़्यादातर हम क्या करते हैं इस तरह से काउंटर के ऊपर छिलका छीलते हैं सब्जियों का काउंटर पूरा गंदा हो जाता है फिर उसकी अलग से हम सफ़ाई करते हैं तो उसमें कितना टाइम वेस्ट होता है अगर आप इस तरह से ना कोई बोल या गमला यूज़ करोगे अगर आपके पास कोई गार्बेज बिन नहीं है तो, तो इससे भी लाइफ आसान हो जाएगी आपकी और बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा आपका अलग से आपको काउंटर की सफ़ाई नहीं करनी पड़ेगी टिप नंबर थर्टीन है इन्वेस्ट इन स्मार्ट कुकिंग अपलायंसेज ऐसा करने से क्या होता है ना बहुत टाइम बचता है आपका इस तरह का चीज़ आप यूज़ करते हो जैसे गैस में देखिए मैंने दाल राइस चढ़ा दिया था मैंने टाइम सेट कर दिया है और अपने आप गैस का फ्लेम बंद हो गया तो मुझे यहाँ पे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कुकिंग करते वक्त वो अपने आप ही बंद हो गया और उसी तरह से मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था तो मैं इसे एयर फ्राई कर लूँगी तो अगर आप इस तरह से अप्लायसेज यूज़ करते हो जो आपका कुकिंग आपके लिए कर रहा हो और आपको मेहनत ना करनी पड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम आप बचा सकते हो अपना तो इस तरह से मैंने यहाँ पे चिकन फ्राई कर लिया दाल राइस में रख कर चली गई थी तो हमारा कुकिंग कंप्लीट हो गया मुझे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी किचन में और कुकिंग हमारा हो गया और इस तरह से आप अपने फैमिली को आराम से कम टाइम में अच्छा घर का खाना बनाकर सर्व कर सकते हो और उसी तरह से मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ एयर फ्रायर में मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ भी शेयर की आप लोगों से जैसे मैं फ़िश बनाती हुई देखिए फ़िश मैरिनेट करके रखती हूँ और वो जाके एयर फ्रायर में रख देती हूँ तो बन जाता है सिर्फ फिश ही नहीं आप वेजिटेबल्स भी बना सकते हो और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है ऐसा नहीं कि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आजकल बहुत अच्छे स्मार्ट अप्लायसेज आए हैं तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है किचन में खड़े होकर तो इस तरह का अप्लायसेज आप ख़रीद कर अपना लाइफ को ईजी बना सकते हो तो मैं यहाँ पर चिकन मैंने ग्रिल कर लिया ये देखिए मेरा नेक्स्ट टिप है कुक वंस ईट ट्वाइस मतलब एक बार खाना बनाओ और दो बार खाओ इससे आपकी गैस की भी सेविंग होगी आपकी टाइम की भी सेविंग होगी आपकी एनर्जी की भी सेविंग होगी तो ये राइस कल का है तो इस राइस में से आप बहुत कुछ बना सकते हो लेमन राइस फ्राइड राइस टमेटो भात बहुत कुछ बन सकता है तो मैं आज फ्राइड राइस बना रही हूँ मैं जान बुझ मैंने ज़्यादा बनाया था कल ताकि मैं नेक्स्ट डे इस तरह की कोई रेसिपी बना सकूँ तो मैंने गार्लिक ऐड कर दिया है खूब सारा इसमें वेजिटेबल्स मैंने पहले से ही चॉप करके रखा हुआ था तो आ, इसमें कैप्सिकम पीस सॉरी ग्रीन पींस और कैरेट ऐड कर दिया है साथ साथ इसमें चावल डाल दिया है चावल डाल के इसे थोड़ा सा हम चला लेंगे और ये सब रेसिपीज़ ना बनने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है अगर आपका वेजिटेबल्स वगैरह चॉप किया हुआ है राइस आपका रेडी हो तो बस सोया सॉस थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दिया है थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे आप चाहो तो चिली सॉस वगैरह ऐड कर सकते हो ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हो मैं नहीं कर रही हूँ अगेन बच्चे खाएंगे इसलिए तो बस इसे मैंने मिक्स कर दिया उसके बाद ये हमारा फ्राइड राइस बन के कुछ मिनटों में रेडी हो गया और सिर्फ राइस ही नहीं इस तरह से रोटी भी आप ज़्यादा बनाकर सुबह नाश्ते में खा सकते हो या फिर बच्चे को रैप्स या रोल्स बना के टिफ़िन में दे सकते हो तो एक बार खाना बना के आप दो बार खा सकते हो तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपना ख्याल रखें स्टे सेफ़ बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़